Thank you, boys. Love you, girls. Hello, Archana ji. Hello, Sudesh. Hi. Today, I am very happy. Achha. In mahan kalakaron ke jo mujhe darshan karwa diye hain, Kapil, love you, yaar. Love you. Thank you. Main ehsaan kabhi nahi bhul sakta, lekin ek request hai ki mujhe batao ki pehle washroom kidhar hai. Kyun? Pata nahi. Kise poochun? Mujhe lagta hai abhi washroom shayad bana nahi abhi. Aisa kyun? Chalo, koi baat nahi. Udit ji, ye nakli Arijit hai. Kya baat hai? Kya kya kaha aapne? Ye nakli Arijit hai. To kya ye bhi sab nakli? Nahi, ye asli hai. I'm sorry. Actually, kya hai ki yahan Kapil Sharma show mein to wo ladkiyan ladke nikalate hain, ladke ladkiyan nikalate hain, Sidhu Archana nikalata hai. Kya waise hi hai. Aaj main आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ कोई ऐसे नहीं बन गया. इसमें बहुत सारी मेहनत. मैं क्या बताऊँ आपको? बता क्या, क्या राज क्या है आपका? घमंड. नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, पहले पूरी बात सुन लिया करो. अच्छा. घमंड एक ऐसी चीज है, ऐसी बीमारी है कि जब किसी में आ जाता है कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाता. वेरी गुड. मैं आज भी कोई गरीब हो अमीर हो, मैं किसी का फोन इग्नोर नहीं करता. मैं सबके फोन उठाता हूँ. 15-20 फोन मेरे पास हो चुके हैं. अब मैं बेचने लेना किसी ने. खैर सर, शानदा आपने मुझे पहचाना कि नहीं? हम दिल्ली एयरपोर्ट में मिले थे, आपको भूल गया क्योंकि वहां पे बहुत रश था लड़के लड़कियां ऑटोग्राफ लेने के लिए. इनकी नजर सीधी मेरे पे पड़ी. मुझे कहते मेरा बैग अंदर रख. ये एक विश्वास देखो मेरे पे इन्होंने किया, मैं कभी नहीं भूल सकता सर. क्या बात है. अब बोलते रहे तो मैं सिंगर हूँ, सिंगर हूँ. अब गाओ शानदा के सामने. सिंगर मैं, सिंगर क्या, मैं गाने लिखे भी हैं. शानुदा ने इतने गाने गाए हैं आपको पता नहीं. आपका वो गाना बंगाली गाना मैंने लिखा था. क्या बात कर रहे हो, ये आपने लिखा है? हाँ, अभी अभी लिखा है. मेरे को याद नहीं होता ना बंगाली गाना. मैं बाहर लिख के याद करके आया सर. बापीदा मार डालेंगे इसको सुनेंगे तो. सर मैं आपको बोलूं, ये सच है, आप जैसा कोई नहीं बन सकता. मैंने कोशिश की थी. जादू तेरी नजर, 5 मिनट में थक गया मैं. आप इतना हसमुख मुंह बना के जो गाते मेरे से नहीं होता सर. धन्यवाद. गिटार बजा के गाना, मतलब आपके पास ऐसा है पंच, इसीलिए आप खाते रहते हो लंच. सर जैसा मैं सिंगर वैसे वो कॉमेडियन. सर बहुत मजा. ये पंच जब बेटा सुनेगा ना, खुश हो जाएगा कि पापा अच्छा करते हैं. मैं सच्ची बताऊं सर, आपकी थोड़ी बहुत मैं कॉपी कर लेता हूं, इनकी भी थोड़ी बहुत कॉपी कर लेता हूं, लेकिन अनुराधा जी. अच्छा बताइए, मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूं, इनकी आवाज कौन कौन सुनना चाहता है प्लीज? इजाजत है? प्लीज प्लीज. कैसी लगी उनकी आवाज? जोरदार ताली. नमस्कार. अरे उदित जी, खैर मैं बता दूं कि ये मेरे हस्बैंड हैं. आपको शर्म आती है? हेलो. इतने बड़े सिंगर आए हैं और ये क्या बन के घूम रहे हो? अरे आए तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं. आप सोनी वालों को बोलो कि कि जब मैं आता हूँ तो इतने इतने बड़े सिंगर ना लाओ, मेरे लेवल के लोग लेके आओ. अब हम जेब कतरों को शो में नहीं बुला सकते, लेवल के लोग लाओ. किसी बड़े सिंगर के सामने कभी गाया भी है आपने? सर श्री हरि प्रसाद चुरसिया साहब, उनके सामने मुझे गाने का मौका मिला. इतने खुश हुए, उन्होंने अपनी बांसुरी मुझे दे दी. हाँ कहाँ दी वो दिखाओ तो सही है. कान के पीछे सट मारी उन्होंने. ऐसी हरकतें करते रहते हैं. उदित जी आप ऐसे क्या कर रहे हैं? उदित जी मैंने शादी से पहले सोचा था कि बंदा थोड़ा म्यूजिकल है, है? म्यूजिकल वाले थोड़े रोमांटिक होते हैं, थोड़ा प्यार व्यार करेंगे. लेकिन इस बंदे ने जब से शादी हुई है ना अर्चना मैम, इसने मुझे ऐसे करके टच तक नहीं किया. शराफत शराफत, इससे ज्यादा शरीफ बंदा कौन होगा जो अपनी वाइफ को टच नहीं करता. वाह वाह वाह. अच्छा तो उस दिन साली के कंधे पे हाथ रख के क्यों जा रहे थे? साली आधी घर वाली आधा हाथ रखा था, पूछो पिंकी को जाके. पिंकी को तो मैं बाद में पूछूंगी. देखिए आप. अरे मुझे क्या देख रहे हैं? मतलब उनको देखिए उदित जी, मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे लगा था कि आपकी तरह रोमांटिक बंदा होगा. आपको एक बात बताऊं, आप इतनी सुंदर क्यों हो? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं.
यही मैं चाहती हूँ कि ये करे ऐसे पकड़ के और पीठ में ऐसे ऐसे करे जो आप कर रहे थे। ये तो मेरी आदत है। है? लेकिन ये मेरे मेरे पति ये ऐसे हैं कि मैं सच्ची कह रही हूँ। मुझे था कि उदित जी जैसे रोमांटिक निकलेंगे, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। उदित जी ये मुझे कह रही म्यूजिकल, जो बंदा सारी उम्र फ्लूट पे रियाज करता रहे और जब परफॉर्मेंस की बारी आई उसको ढोल दे दोगे तो वो क्या करेगा? अच्छा मैं ढोल हूँ, खुद कौन सा सेक्सोफोन हो, शक्ल देखिए इनकी, ऐसे लगता हारमोनियम वो भी उसकी हवा निकली हो। अनुराधा मैम ऐसे कौन से पति होते हैं यार, पति होते हैं कपिल शर्मा जैसे, बीवियों का ध्यान रखते हैं। मैंने इस बंदे को बोला कि मुझे मेकअप चाहिए, ये मेरे लिए पौवा लेके आ गया। अरे तू मेकअप लगा के इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी पौवा लगा के मेरे को सुंदर लगती, मैं क्या करूं? सानू साहब सच बोल रहा हूँ, इसकी कुंडली इतनी खराब है, इसकी शादी नहीं हो रही थी। सबसे पहले इसकी शादी हुई थी कुत्ते से, पूछो। अब कौन सा इंसान से हुई है? शादी में सालियां क्या छुपाती है? जूते। लेकिन ऐसा जीजा देखा ना तो उन्होंने जूते नहीं जीजा ही छुपा दिया कि लोग कहेंगे आय हाय कैसा है। मैं तो उदित जी आप मेरी बात सुनिए पहले, आप बाद में कहिएगा। आप इनको ले जाइए गड्डी समझ के किसी मोड़ पे छोड़ ही आइए। सर अब ना घर की मुर्गी दाल बराबर, अब मेरे हुनर की तो कदर नहीं करती। 4 साल बाद शो मिला है, हुनर नहीं ह्यूमर पे जोर दो। हाँ लैरी जी आजकल मेरे से लड़ रही है ना, वो दिन भूल गई जब मेरे गानों पे मरती थी, जब मैं गाना गाता था ना। यही गाना मैंने सुना था, मुझे लगा आपका फैन है, पर सच में इसके पास रहने को घर नहीं, भिखारी है ये। अनुराधा जी उस दिन मैं किचन में थी तो मुझे बोलते जल्दी बाहर आ, टीवी पे कुछ आ रहा है। मैंने कहा क्या? कहते हो धूल। इतना आलसी बंदा है ये। मैंने जब से इसके साथ शादी की है ना, मैंने एक वक्त घर में चैन से खाना नहीं खाया। तू मुझे बता तो सही, तू चैन से खाना खाना चाहती है? मैं चमचे ना लाता है, मैं 2 साइकिल ले आता, चैन उतारता, चैन से खा लेती तू। कमाल कर रही है। वैसे मैंने और बोलना था उदित जी, लेकिन मैं इस बंदे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और बीच में आप भी कितना मुझे कर रहे हैं। आप मेरी लाडली हो। मैं इनकी लाडली हूँ इसीलिए मैं इस बंदे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उदित जी मुझे जाने दीजिए, मेरे दिमाग की नस फट जाएगी इससे बात करते हुए। नहीं नहीं है इनके पास घर, इसीलिए मैं करता रहता हूँ सर सर सर। चलो कोई मैं बात नहीं, और आप ना मेरे घर में कदम नहीं रखना। ओके चले जा रहे। सर ये लड़ाइयां तो होती रहेंगी, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं 3-4 गाने तो आपके गा के जाऊंगा। इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम क्यों नहीं है जी, हमने सीखा है, इनके पास टाइम नहीं था। एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड कराए थे, मैं 2-3 गाने भी नहीं गा सकता। थैंक यू सो मच, आज मैं वाकई धन्य हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, इधर ले जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू, क्या बात है। दादा हमारे यहाँ पे ना एक हमारे गांव के हैं एक छेड़ूलाल जी, उनको मैं बोलता हूँ, मैं कहा जब भी मेहमान आए बीच में नहीं आना, पर वो आता है। अच्छा वो कुछ सवाल पूछता है, आप चाहे तो जवाब दे देना, वो ऑनलाइन ही आते हैं, सामने नहीं आते। अच्छा छेड़ूलाल जी। अच्छा अंदाजा जी मैंने सुना आप इतने धार्मिक हैं कि आप अगरबत्ती के पास से भी निकलती है तो अपने आप जल जाती है। अच्छा मैंने सुना आप लोग इतना मीठा गाते हो कि लोग आपकी आवाज में खो जाते हैं, तो वो फिर अपने आप मिल जाते हैं कि पुलिस में रिपोर्ट लगानी पड़ती है? और भी है दादा, और भी। अरे जी आपके घर में सारे गाने वाले हैं तो आपका साबुन जाग बनाता है कि राग? ये प्यार है आपका, झाग के साथ राग बन जाता है। आहा, झाग या राग के साथ साबुन का झाग बन जाता है। अनुराधा जी आपका एक गाना है ना कि आज फिर तुम पे प्यार आया है, तो वो कौन सा दिन है जिस दिन आपको सामने वाले पे प्यार आता है? मैं फिर उसी दिन आपको फोन करूंगा। जी कभी कभी बीवी नाराज होके मायके चली जाती है
चली जाती है ना, जैसे मेरी आज गई हुई है, तो आपकी अगर चली जाती है तो फिर आप उनको मना के लाते हो कि सारी जिम्मेदारी नारायण पे छोड़ देते हो। अच्छा नारायण सब उनको उन पे छोड़ देता हूँ। अच्छा सब उन पे छोड़ देता हूँ। अच्छा कुमार चानू जी, आप इतने मीठे गाने गाते हो तो आप शुगर फ्री वाले गाने क्यों नहीं गाते, ताकि शुगर के पेशेंट भी सुन सके। बहुत अच्छा। हाँ। ये आपके बहुत बड़े फैन हैं उदित जी। ये देखो ये सर जो पीछे बैठे, कैसे सर, क्या नाम है सर आपका? नलिन पालेजा। अच्छा बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप काफी एंजॉय कर रहे हैं मैसेज? बहुत एंजॉय कर रहा हूं। अकेले हैं आप, शादीशुदा नहीं है? अच्छा वाइफ के साथ आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आपका मैं बहुत फैन हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू। और इंस्टेंट कॉमेडी जो करते हो, गॉड ब्लेस यू। अरे थैंक यू सर, धन्यवाद। अच्छा आज यहाँ पे क्योंकि म्यूजिक स्पेशल एपिसोड है, तो आज हमारे यहाँ पे खास मेहमान आए हैं। अच्छा चंदा, ये मल्टी टैलेंटेड है, एक ही आदमी अपने आप में पूरा ऑर्केस्ट्रा है एक्चुअली। सो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम ग्लैडसन पीटर। पीटर क्या बात क्या बात क्या बात, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हम आपको बैठने को भी नहीं बोल सकते क्योंकि इतना कुछ सामान डाला है, पता नहीं मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर wonderful, आपने wonderful. इतना कमाल का बजाया, सीरियसली फैन हो गए हम आपके। थैंक यू सर। पीटर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुंबई से रहता हूँ। अच्छा तो ये आइडिया कहाँ से आया एकदम सारे? आपके भी कोई ऐसे दोस्त थे जिनको बजाना नहीं आता था, फिर आपने सोचा मैं ही बजा लेता हूँ सारा? शायद ऐसे भी हो सकता था। अच्छा एक्चुअली मेरा कैसा है कि ये मेरा ड्रीम नहीं था। अच्छा लेकिन मुझे भगवान ने क्या बोलते कि ड्रीम में बताया कि ऐसे कुछ करो। अच्छा असल में आई हैव लॉस्ट मोर देन 60% लंग्स पैसिव स्मोकिंग की वजह से, मेरे फेफड़े खराब हो चुके थे। ऐसा कौन इतना स्मोक करता था आपके पास, 60% ऑफ लंग्स ऑफ योर्स हैव गॉन? मैं जब भी कॉलेज में था एंड उसके बाद मैं कॉल सेंटर में भी मैं थोड़ा काम किया था। सो पीपल यूज्ड टू स्मोक अराउंड यू? हां जी। हाउ डेंजरस दिस इज, पीपल शुड नॉट स्मोक। या इट इज। हां आगे बोलिए। तो क्या हुआ था कि मेरे जो भी होप्स ड्रीम्स थे पूरे शैटर हो चुके थे। जब भी हम हॉस्पिटल गए थे तो डॉक्टर ने, जब भी मैं एग्जिट कर रहा था तो उन्होंने बोला कि यू कैन नॉट इवन प्ले अ फ्लूट। अच्छा तो मेरा ये मानना है कि हमारे लाइफ में कुछ सिचुएशन आए तो उसका कोई रीज़न होगा एंड मुझे भगवान पे बहुत विश्वास है। तभी भगवान ने मुझे एक ड्रीम दिया कि जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स तुमको जो आते हैं साथ में लेकर बजाओ। तो ये बड़ा कमाल का टैलेंट है यार, बड़ा कमाल का टैलेंट है, बहुत रेयर ही ऐसा देखने को मिलता है। थैंक यू पीटर सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हमारे शो पे। आप आए, थोड़ा आपने इमोशनल भी कर दिया, लेकिन जो आपका फन है, जो आपका आर्ट है, ये कमाल का है और मैंने पहली बार देखा है। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स लॉट। आइए प्रणाम, मायसेल्फ इज चंदू जी। चंदू, ये 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर का मैं वन एंड ओनली चेयरमैन। क्या बात है, चेयरमैन काहे का डरा है, बैठने के लिए चटाई नहीं दुकान में, चेयरमैन बना फिरता है यार। क्या क्या कहा तुमने, चेयरमैन तू कैसे बन गया? बैठने के लिए चटाई नहीं तो मैं चेयरमैन नहीं हूँ? नहीं ऐसे तो तुम कहोगे टेबल फैन के पास टेबल नहीं होता तो वो क्या टेबल फैन नहीं होता? हैंडपंप के साथ हैंड नहीं होता वो क्या हैंडपंप नहीं है? कपिल शर्मा कैसी बातें करते रहते हो यार, पढ़े लिखे भी लोग हमारा शो देखते हैं। लॉजिक है इसके बातों में? हाँ बिल्कुल लॉजिक है दादा। दादा मैंने आपका गाना सुना था, इस बात तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। हाँ, अच्छा। लेकिन इस बंदे ने मेरी हर बात काटने की कसम खाई हुई है। और मैं आपको बताऊं, मैं और मेरी फैमिली आपके बहुत बड़े फैन है। अरे थैंक यू। और अनुराधा जी, स्पेशली मेरे पापा महेंद्रपाल जी आपके बहुत बड़े फैन है, अगर आप उनका नाम ले देंगी टीवी पे तो थोड़ा अच्छा लगेगा उनको। नमस्ते महेंद्रपाल जी, कैसे हैं आप? क्या बात है, वाह वाह। मेरे चाचा जोगेंद्र पाल जी भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, आप प्लीज उनका नाम भी। यार चंदू, जोगेंद्र पाल जी कैसे हैं आप? जी क्या बात है, वाह वाह। थैंक यू सो मच। मेरे फूफा जो चाचा था, फूफा लगा के रखा यार, लास्ट वाला बुलवाना था, पैसे उन्होंने देने मेरे को।
तू ऐसे पैसे कमाता है? तो आपने शुरू में स्पॉन्सर्स के नाम लेते? खैर मैं उदित जी आपको बधाई देना भूल गया, बहुत बहुत बधाई हो, घर में नई नवेली बहू आई है जी। सुबह सुबह चाय मिलती होगी। अच्छा लग रहा है घर में? अच्छा लग रहा है जी जी, वो आज पता चल ही रहा था कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और जब भी आपके घर में चाय पत्ती खत्म हो जाए तो आपने मेरी दुकान से चाय पत्ती लेनी है। तू क्यों मेरे गेस्ट के सामने अपनी दुकान लेके आ जाता है? मैं आपके गेस्ट के सामने दुकान नहीं लेकर आता हूँ, आप मेरी दुकान के सामने गेस्ट लेकर आ जाते हैं। चल जाओ अपनी दुकान पे जाके अपने कस्टमर को देखो। चलो कौन से कस्टमर है? मेरी दुकान पे कस्टमर कभी देखा है आपने? सुबह से लेकर सर शाम तक मैं खाली बैठा रहता हूँ। सिर्फ कल एक मक्खी आई थी, वो पूछ रही थी भैया गुड़ है। मैं क्या क्यों क्या करना है? नहीं कुछ नहीं, बैठना है ताकि आपको कंपनी मिल सके। बहुत अच्छा यार चंदू जी, थैंक यू सर। अगर मेरी दुकान पे रिबन काट देंगे तो प्रमोशन हो जाएगी सर। जरूर जरूर, क्यों नहीं जी। कहाँ रिबन? रिबन वो देखो, इतना मोटा रिबन लगा, रिबन फाड़ना है या काटना है? अरे दादा वो रिबन के साइड में चोटियां भी किसी की काट लाया मुझे लगता है। तो किसकी चोटियां है ये? जो चोटियां आज मैं सबको बताऊंगा किसकी है। ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया दादा, ये चोटियां मेरी ही है। अच्छा हाँ जी, वो तो जिद करके मैंने दुकान खुलवा ली, नहीं तो मेरे को ये लड़की बनाने के चक्कर में था। आप सर प्लीज, कोई ओपनिंग नहीं होगी, दो चार मसाले दालें रखी और दुकान की ओपनिंग करवा रहा है। क्या बड़ा काम कर कोई? कौन किराने की दुकान पे बड़ा काम? क्या हेलीकॉप्टर बेचने शुरू कर दूं मैं? देखिए मैं तो गिफ्ट हैम्पर भी लेकर आया हूँ। अच्छा जी, थैले में गिफ्ट हैम्पर? गिफ्ट हैम्पर वाओ, ड्राई फ्रूट जी। ए, ड्राई फ्रूट के डब्बे में देखो आटा और दाल डाल के लेके आया है। ये देख लो, हरकते देख, इसीलिए नहीं ये डाल खाता। ये क्या है? अच्छा ड्राई फ्रूट के डब्बे में मैं दाल आटा लेकर आया हूँ और तुमने जो मर्दों में औरतें डाली हुई हैं वो। प्लीज यार मेरी दुकान की इनॉग्रेशन करवा दो फटाफट। क्या करवाना है यार? इंग्लिश में तुम जो मैं बोलता हूँ पहली बार में क्यों नहीं सुनते? खैर सर आप प्लीज अगर थोड़ा सा रिबन काट दे तो अच्छा लगेगा। ये अगर कपिल बोलेगा तो मैं करूँगा। अरे दादा कोई रिबन विबन नहीं काटना, खुद ही अपने दादा का पजामा काट के बैग बना के ले आया। नहीं सर पता है बड़ा जरूरी है, अगर नहीं इसकी ओपनिंग की ना तो अंदर पड़ा पड़ा सामान सारा एक्सपायर हो जाएगा। जब हो भी गया सर सारा सामान एक्सपायर, आटा पड़ा पड़ा सीनियर सिटीजन हो गया सर। दाल मुंह फुलाकर बैठी हुई है। 1.5 किलो चने रखे थे मैंने अंदर, सबको दाढ़ी मूछ आ चुकी है। ओह गॉड, चूहे खा खा के इतने तगड़े हो गए हैं। कल उन्होंने बिल्ली घेर ली, नॉर्मली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कल वो बचाओ बचाओ कर रही थी। अंडों की तो मैं आपको क्या सिचुएशन बताऊं, 3 जनरेशन आगे चले गए हैं वो। वो मुर्गियां बन गई हैं अर्चना जी और अपने चूजों को कहानियां सुना रही है। कहती इस दुकान की ओपनिंग वो तब होनी थी जब हम छोटे छोटे अंडे हुआ करते। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं सर ये चाहता हूँ कि इन्होंने ओपनिंग नहीं करनी तो कोई बात नहीं, आप बस एक जिंगल ही गवा देंगे, फिर जैसे दुकान चलने लगेगी मैं इनको वो देता रहूंगा अपना रॉयल्टी। नहीं यार ग्रीन टी, ग्रीन टी मेरी बिक नहीं रही, तुम रॉयल्टी की बात कर रहे हो। सो उदित सर आप प्लीज अगर जिंगल गा दें। ये जिंगल कहाँ से लाऊं? मैं देता हूँ सर आपको जिंगल, ये लीजिए। ये हाँ अच्छा अच्छा। टेन स्टार स्पेशल जनरल स्टोर। क्या बात है? जनरल स्टोर, जनरल स्टोर, स्पेशल जनरल स्टोर। राजमा भैया राजमा बढ़िया करते हाजमा, मिर्ची नमक मसाला की क्या बात भैया दालों की। वाह वाह क्या बात है। बढ़िया सस्ता आटा है इसमें किसी का घाटा है, जो भी इसको खाता है नरम नरम हो जाता है। क्या बात है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.